एक डॉक्टर हैं, शनयांग मेडिकल कॉलेज से ही ग्रेजुएट हैं, 2018 बैच के हैं। वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। उन्होंने नवंबर के अंदर मुझे कहा था कि बेटा, अगर आप ये चीज़ चाहते हो कि मैं पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर बनना चाहता हूँ और NI को जो है 1 साल के अंदर अंदर पास करना चाहता हूँ ग्रेजुएशन के बाद, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तो आप चुप करके पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान आके आप NRE की प्रेपरेशन करो, क्योंकि इसके बगैर बेटा आप जीरो। अस्सलाम वालेकुम, मैं अबरार नेमत और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर अबरार नेमत। आज की जो वीडियो है ये भी पिछली दफ़ा की तरह NRE के ऊपर ही होगी, जैसे कि पिछली मेरी वीडियो थी वो भी NRE के ऊपर थी, उससे पिछली जो वीडियो थी वो भी NRE के ऊपर थी, क्योंकि 1 साल पहले शायद मैंने ये चैनल बनाया था मेरे ख्याल से। और उस वक्त जो मेरा एक एम था वो ये था कि एडमिशन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आवाम तक तक पहुँचानी है। वो वाला काम हो गया पूरा, सारी की सारी वीडियोज हो गई हैं पूरी एडमिशन के रिलेटेड। उसके बाद अब जो दूसरा काम बच जाता है वो बच जाता है डिग्री लेके उसके बाद आपने NRE देना है। और NRE देने से 50% ऐसे लोग हैं वो भागते हैं, वो इस चीज़ की तलाश में होते हैं कि भाई मुझे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप मिल जाए या मैं बाहर किसी और कंट्री के अंदर निकल जाऊँ। अगर आप लोगों ने इस तरह के काम ही करने होते हैं कि बाद में निकलना होता है कहीं ना कहीं किसी और जगह, तो भाई फिर MBBS का पंगा क्यों लेते हो, क्यों पैसा आराम करते हो? फिर FSC करो, FSC करके निकल जाओ बाहर, जहाँ जिस कंट्री में आप लोगों ने जाना वहाँ पर चले जाओ। लेकिन अगर आपने MBBS की डिग्री ले ली है तो भाई उससे मत भागो, उससे मत भागो, मत भागो, MBBS की डिग्री लो, NRE की प्रेपरेशन करो, NRE क्रैक करो। खैर, जब कोई भी बच्चा 5 साल अपने पूरे कर लेता है, 6.5 साल में जो है वो चाइना के अंदर इंटर्नशिप होती है। अभी कुछ बच्चे जो है उनका दिसंबर के अंदर 10वां सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, कुछ बच्चों का 9वां सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। जब 10वां सेमेस्टर खत्म होता है तो 10वें सेमेस्टर के बाद जो है वो हर बच्चा अपनी इंटर्नशिप के लिए चूज करता है कि उसने पाकिस्तान करनी है या चाइना करनी है। अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑप्शन दे तो शनयांग मेडिकल कॉलेज वाले जो है वो स्टूडेंट को पूरा पूरा ऑप्शन देते हैं कि भाई अगर आप चाइना करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, पाकिस्तान जाना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी है। इसके अलावा नॉर्थ सिचुआन यूनिवर्सिटी है वो भी आपको ऑप्शन देती है, उसके अलावा पिंचो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो भी आपको ऑप्शन देती है, उसके अलावा चंगू डी सी एम है वो भी आपको ऑप्शन देती है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ऐसी आपको मिल जाती है जो आपको ये ऑप्शन देती है कि अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हो पाकिस्तान चले जाओ, चाइना रहना चाहते हो तो चाइना रह लो। सवाल ये होता है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑप्शन देती है तो आपने क्या करना है? अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑप्शन देती है तो भाई पहली ही फुर्सत में आपका ये जवाब होना चाहिए, मैंने डॉक्टर बनना है, चाइना के अंदर इंटर्नशिप करूंगा, हॉस्पिटल में जाऊंगा, वहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है तो उस लेवल की आप इंटर्नशिप नहीं कर पाओगे। नो डाउट अगर आप सर्जरी के वार्ड में वहाँ पर जाकर इंटर्नशिप करते हो 6 महीने, तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो सिस्टर भी करने देते हैं, सारा कुछ करने देते हैं। लेकिन जब आपकी इंटरनल मेडिसिन की बारी आती है तो वहाँ पर तो टोटल आपने कम्युनिकेट करना होता है, और जब आपको चाइनीज़ नहीं आते तो आप कैसे कम्युनिकेशन करोगे चाइनीज़ के साथ? हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज़ आता है, मरीज़ ने आके डॉक्टर को बता रही होना है कि मेरा ये मसला है, आपको चाइनीज़ नहीं आती तो आप किस तरह से डॉक्टर की बात को पिक करोगे, फिर मरीज़ की बात को पिक करोगे, क्या जी कह क्या रहा है? इस वजह से मेरे ख्याल से जो है वो चाइना के अंदर इंटर्नशिप करने का जो फैसला है वो घाटे का सौदा है। सारी वजह उसकी ये जो इंटर्नशिप आपकी इंटरनल मेडिसिन की होती है ना 6 मंथ की या 7 मंथ की, वो आपकी सारी वेस्ट जाती है, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती। अलबत्त सर्जरी के अंदर जो है वो डॉक्टर को इंग्लिश भी आती है, लेकिन डॉक्टर को अगर इंग्लिश आती हो तो वो आपको सर्जरी के दौरान जब आप असिस्ट कर रहे होगे तो आपको बता देगा कि ये ऐसे करना है ऐसे करना है। लेकिन जब आप इंटरनल मेडिसिन की आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो तो वहाँ पर डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता वो एक एक मरीज की बात आपको बताए। इसलिए अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑप्शन देती है इंटर्नशिप करने का, तो भाई पहली ही फुर्सत के अंदर आपका जवाब होना चाहिए मैं पाकिस्तान जाना चाहूँगा। पाकिस्तान कुछ बच्चे आ जाते हैं, मेरे कुछ फैलो जो है पाकिस्तान जब आए हैं उन्होंने यहाँ पर आके पहला काम क्या किया, सीधे चले गए हैं अपने घरों में। मेरे ख्याल से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंटर्नशिप भी नहीं कर रहे, घर पर बैठे हुए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं 2-4-5 जो डिम्स आ गए हैं और डिम्स में आके अपनी NRE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं किसी बच्चे को यहाँ पर डिग्री नहीं करूँगा, लेकिन एज अ मेडिकल स्टूडेंट मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है, डिग्री लेनी है आपने। डिग्री लेने के बाद तब तक आपकी डिग्री वैलिड नहीं है जब तक आपने NRE नहीं पास किया हुआ। चाहे आप इंटर्नशिप करो, हाउस जॉब करो, आप जो मर्जी करो, यू आर नॉट अ डॉक्टर। अपने आप को आपने डॉक्टर बनाने के लिए जो पहली चीज़ करनी है वो है NRE का एग्ज़ाम, और NRE का एग्ज़ाम तभी पास होगा जब आपने NRE की इंटर्नशिप वाले साल में जोर लगा के आपने प्रिपरेशन की होगी। क्योंकि इतना आसान काम नहीं है कि 5 के 5 साल का सिलेबस है जो आपने रिवाइज करना है आखिरी साल में, फिर ग्रेजुएशन के बाद आपने एग्ज़ाम देना, वो इतना भी आसान काम नहीं होता कि आप इंटर्नशिप करो 8-9 महीने इंटर्नशिप करके, या फिर घर बैठ के आप अपना टाइम वेस्ट करो, फिर जाके यूनिवर्सिटी से डिग्री ले आओ, डिग्री लेकर आके फिर आप बोलो कि हाँ अब मैं NRE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत फैसला है। अगर आपके पास इंटर्नशिप का मौका है इंटर्नशिप करो, लेकिन अगर आपको ये फील होता है कि यार मैं इंटर्नशिप करूँ लेकिन मेरी जो है वो थ्योरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे कॉन्सेप्ट्स तो हैं लेकिन मेरी थ्योरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब आपने एग्जाम करना होता है सिर्फ आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो काम नहीं आते। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जैसे गायनेकोलॉजी है उसके अंदर आपको कितनी सारी चीज़ें याद करने वाली, ऑब्स्टेट्रिक्स है वो तो टोटल आपका वो जो एक्सपेरिमेंटल बेस है ना, लेकिन गायनेकोलॉजी जब आप पढ़ते हो तो गायनेकोलॉजी के अंदर इतनी सारी चीज़ें याद करने वाली, इतनी सारी चीज़ें याद करने वाली, जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक आपका पेपर पास नहीं होगा। अगर बुकिश लाइन पेपर में आ जाए 20 से 30 MCQs वो तो तभी आप कर पाओगे ना जब आपने बुक पढ़ी होगी। अगर आपने बुक ही नहीं पढ़ी होगी तो आप 20 से 30 MCQs बुकिश लाइन वाले आ जाएंगे, वो आप कहाँ से कर पाओगे?
तो अगर आप पाकिस्तान आ चुके हैं और पाकिस्तान आके आपके पास ऑप्शन है इंटर्नशिप का, तो आप इंटर्नशिप करो। अगर इंटर्नशिप पे आपका दिल मुतमिन नहीं होता तो भाई डिम ज़्यादा और डिम ज़्यादा डिम ज़्यादा यहाँ पर आके अपनी एनआरई की प्रेपरेशन करो, क्योंकि जब आप एनआरई की प्रेपरेशन करते हो उसके बाद आपको डिग्री मिलती है, डिग्री मिलने के बाद आप अपना एनआरई एग्जाम देते हो, एनआरई पास करने के बाद आप डॉक्टर हो। विदाउट एनआरई आप जितनी मर्जी इंटर्नशिप करो, जितनी मर्जी हाउस जॉब करो, आप डॉक्टर नहीं हो। आप अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर हमारे कुछ सीनियर्स भी हैं ना, उन्होंने चाइना के अंदर इंटर्नशिप की थी, जो भी खैर सैलरी बना उनका, मैं खुद देखता हूँ उनमें से बहुत सारे 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इस वक्त उनको यही नहीं पता कि हमने एनआरई देना है कि नहीं देना। कुछ हाउस जॉब कर रहे हैं, कुछ घर पे वेले बैठे हुए हैं, एनआरई की डेट आ गई है 24 नवंबर की, आई थिंक 24 नवंबर की एनआरई की डेट है, और बंदों को अभी तक यही नहीं पता कि हमने एनआरई देना है या नहीं देना। अप्लाई सबने किया हुआ है, ये चीज़ नहीं, अप्लाई सब ने किया है, हर किसी को पता है अपना डेट पर एनआरई है, लेकिन उनकी प्रेपरेशन नहीं है भाई उस लेवल की। तो मैं तो खैर ये चीज़ अपने सामने देख चुका हूँ, मैंने देखा है भाई जो बंदा इंटर्नशिप देने पाकिस्तान आ गया वो इस वक्त किस लेवल पे बैठा हुआ है, और जो बंदा इंटर्नशिप चाइना में कर रहा था वो बंदा किस लेवल पे बैठा हुआ है। एक डॉक्टर हैं, शनयांग मेडिकल कॉलेज से ही ग्रेजुएट हैं, 2018 बैच के हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। उन्होंने नवंबर के अंदर मुझे कहा था कि बेटा अगर आप ये चीज़ चाहते हो कि मैं पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर बनना चाहता हूँ और एनआई को जो है 1 साल के अंदर अंदर पास करना चाहता हूँ ग्रेजुएशन के बाद, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तो आप चुप करके पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान आ गया आप एनआई की प्रेपरेशन करो, क्योंकि इसके बगैर बेटा आप जीरो हो। तो वो जो उनकी बात थी ना, वो मैंने अपने दिमाग से बांधी हुई है, और जिस तरह उन्होंने मुझे कहा था मैंने एक एक स्टेप जो है वो उसी तरह से फॉलो किया। अगर आप भी एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो, एनआई पास करना चाहते हो, तो भाई चुप करके जो है वो पाकिस्तान आओ, इंटर्नशिप यहाँ पर करो। इंटर्नशिप करनी है करो, नहीं करनी ना करो, चीज़ में मसला नहीं है कि इंटर्नशिप आपका दिल मानता है आप इंटर्नशिप करो, आपका दिल नहीं मानता आप इंटर्नशिप ना करो। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ है कि इस वक्त चाइना के अंदर जो है वो एडमिशन ओपन हो चुके हैं, और चाइना है किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान का अगर हाल अहवाल देखा जाए तो किर्गिस्तान की जो यूनिवर्सिटी थी, जो पीएमसी बनी थी, उस वक्त उन्होंने ए लिस्ट, बी लिस्ट और सी लिस्ट बनाई थी। उस वक्त जो यूनिवर्सिटी बी लिस्ट के अंदर थी वो एनआईएल का एग्ज़ाम नहीं दे सकती थी, उन बच्चों ने क्या किया था बेचारों ने, माइग्रेशन करवाई थी ए लिस्ट की यूनिवर्सिटी में, फिर पीएमडीसी आ गई, पीएमडीसी ने आके वो ए लिस्ट वाली यूनिवर्सिटी को बी में डाल दिया, बी वाली को ए में डाल दिया। अब वो बच्चे जिन्होंने बी लिस्ट से ए लिस्ट में माइग्रेशन कराई थी, अब वो बेचारे बंदे जो हैं फिर वहाँ पर बैठे हुए हैं, आई थिंक जलालाबाद कोई यूनिवर्सिटी है किर्गिस्तान के अंदर, एक और भी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, उन बच्चों ने जब ग्रेजुएशन कर ली थी ना तब उनकी यूनिवर्सिटी जो है वो ग्रीन लिस्ट से निकल गई थी पीएमडीसी की। अब वो बच्चे ना बेचारे एग्जाम दे सकते हैं, ना घर बता सकते हैं, ना दोस्तों को बता सकते हैं। इस तरह के 2-4 मसले मसाइल हैं जो आपको किर्गिस्तान के अंदर फेस करने पड़ते हैं, इस वजह से मैं किर्गिस्तान के हक में नहीं होता। हाँ, अगर कोई 2-4 जैसे फलातू यूनिवर्सिटी है, एक दो यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, शायद इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ की, अलातू यूनिवर्सिटी वहाँ की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, काफ़ी सारे बच्चे मुझे अलातू यूनिवर्सिटी के मिले हैं। आईयू की, आईएसएम, ये बकवास है, कचरा माल है। अलातू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि अच्छी है और हमेशा से पीएमडीसी की जो है वो ग्रीन लिस्ट के अंदर रही है। अगर किर्गिस्तान जाना है तो अलातू जा सकते हो, अदरवाइज चाइना आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चाइना के अंदर भी सबसे पहला जो ऑप्शन है वहाँ के पास है एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज, इनकेस आपको एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता देन आप जो है वो दूसरी कैटेगरी की यूनिवर्सिटी में जाओ, नॉन एमओई में, ठीक है। अगर नॉन एमओई में भी आपने नहीं जाना तो फिर आपके पास इटली का ऑप्शन है, जर्मनी का ऑप्शन है, ऑस्ट्रिया का ऑप्शन है, ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर आपका खर्चा जितना चाइना के अंदर होता है ना उतना ही आपका उधर होना है, ज़्यादा खर्चा नहीं है वहाँ पे। जर्मनी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑस्ट्रिया के अंदर भी आई थिंक ऑस्ट्रियन करेंसी के 900 से 950 उनकी जो करेंसी बनती है, जो भी करेंसी है उनकी, उतनी फीस बनती है 1 सेमेस्टर की, 2 सेमेस्टर की 2,000 लगा लो, पाकिस्तानी करेंसी में राउंड अबाउट की लेस देन 10 लाख बनता है 1 साल का। अगर चाइना नहीं है ना तो भाई वहाँ चले जाओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है वहाँ पर, आप हफ्ता इतवार पर जॉब शॉप भी कर सकते हो पार्ट टाइम। खैर ये वाली मेरी वीडियो थी इंटर्नशिप के बारे में और एडमिशन के बारे में। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है वो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के अंदर एडमिशन मिलता है, एडमिशन लो, महंगा सस्ता है जैसे भी मिलता है आप लो, पाकिस्तान का आपने ऑप्शन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। पाकिस्तान के अंदर आपको नहीं मिलता या आप अफोर्ड नहीं कर सकते फिर आप जाओ चाइना। अगर चाइना के अंदर आपने नहीं जाना, आप कहते हो कि मैंने किसी और कंट्री में जाना, तो आपको इटली का ऑप्शन है, जर्मनी का ऑप्शन है, ऑस्ट्रिया का ऑप्शन है। अगर वहाँ पर भी नहीं जाना फिर आखिर वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास बच जाता है किर्गिस्तान। खैर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगर आपको इंटर्नशिप के रिलेटेड एंड आदि एग्जाम के रिलेटेड प्रेपरेशन की किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जितनी मुझसे हो सकेगी, जितना मेरा कच्चा पक्का नॉलेज है मैं आपको इंशाल्लाह उससे फ़ायदा ज़रूर दूंगा। अगर आपको स्टडी के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूंगा, वो अलग बात है मेरे सीनियर्स ने मेरी कभी हेल्प नहीं की इस मामले में, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूंगा। शायद इसलिए भी कि लोग चाइना जाते हैं पैसा कमाने के लिए या घर वालों को जो है वो ये बताने के लिए कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है आपका, बच्चा पढ़ रहा था। खैर मुझे ऐसे सीनियर्स नहीं मिले जिन्होंने मेरी स्टडी के मामले में हेल्प की, लेकिन अलबत्ता मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अगर आपको स्टडी करने किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो सर मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आपसे मैं लगा दूँगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।